They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। Take that road trip. Hey, good morning guys. Good morning from Goa. So, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ गोकर्णा के लिए. So, I just wanted to give you a quick tour of the room. So, here we go. So, ये हमारा entrance है. यहाँ से ये दरवाज़ा खुलता है. ये हम बंद कर देते हैं. Okay, we move on. ये left side में यहाँ घुसते ही आपको washroom मिलेगा, जो कि decent है. बढ़िया है washroom. I don't mind. बड़ा सा वॉशरूम है सारा. यहाँ पे गीजर वीजर है, गर्म पानी अगर चाहिए तो उसके लिए. ओके, विल मूव ऑन. नेक्स्ट ये रूम है. रूम का साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा. ये ओल्ड गोवा रेसिडेंसी है बाय द वे. ये ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन के पास में बिल्कुल. यहाँ पे टीवी मिलता है आपको, एक कैबिनेट मिलता है, टेबल सॉर्ट ऑफ मिलता है. सामान वामान आप रख सकते हो यहाँ पर. और मेरे सामान अभी थोड़ा फैला हुआ है, मैं पैकिंग कर ही रहा हूँ. और इधर आपको फ़ोन मिल जाता है अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है. साथ में वो मेन्यू पड़ा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे. वो मेन्यू भी मिला अगर आपको फूड रूम में ही चाहिए तो. यहाँ पे एसी मिल जाता है. उधर में आपको वार्डरोब मिल जाता है, लुकिंग मिरर मिल जाता है. और बाकी इधर केटल है अगर चाय वगैरह बनाना है उसके लिए. पानी है, ग्लास है, सब कुछ है. सो इट्स अ गुड थिंग. और फिर इधर एक सोफ़ा और यहाँ पे दो स्प्लिट बेड भी है. इट्स अनदर गुड थिंग. इधर बालकनी है. बालकनी में आप आओगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी बालकनी है एक्चुअली. एंड यू कैन मूव दिस सोफ़ा टू एक्चुअली द बालकनी एंड सिट हियर रिलैक्स इफ यू वांट. इधर पीछे का व्यू कुछ खास नहीं है, मोस्टली छोटे छोटे शॉप्स है, पेड़ पौधे हैं. But still you will enjoy. At least there's a good view. ये sort of backside पड़ता है. So yeah, that's pretty much it. I hope you liked it. और ये ओल्ड गोवा रिजॉर्ट जो है ये GTDC का है, जो कि गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट का. सो नॉमिनल प्राइस में आपको एक अच्छा बजट स्टे मिलता है यहाँ पर. और फूड वगैरह भी मुझे मतलब ठीक ठाक लगा. प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा. तो इट्स ओवरऑल अ गुड पैकेज डील अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या इवन आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप बजट पे हो. सो इन दैट केस इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू एक्चुअली स्टे विद इन द बजट एट वन ऑफ द बेस्ट प्राइस. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ पकड़ने के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ रोड पे. सी यू लेटर. तो ओल्ड गोवा रेजिडेंसी से निकलते ही मैं पहुंचा पास के एक पेट्रोल पंप पे. वहां पे मुझे अपनी बाइक को फुल कराया और उसके बाद अपन निकल गए गोकर्णा के लिए. मन में एक हल्का सा एक्साइटमेंट भी था कि अपन अब वापस घर की ओर बढ़ रहे हैं. काफी हेक्टिक और लॉन्ग जर्नी थी, बहुत ज्यादा मजा आया. बट अगेन जब आप 12-13 दिन लगातार आप बाइक चला रहे हो, 3,000-4,000 किलोमीटर कवर कर रहे हो, सो इट्स क्वाइट हेक्टिक. मन में एक्साइटमेंट थी कि वापस अपन गोकर्णा होते हुए अब कर्नाटक बैंगलोर की ओर बढ़ रहे हैं. बट एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा दुख भी था कि ये इतना एक्साइटिंग जर्नी, इतनी सारी जगह हमने घूमी, महाराष्ट्र के जगह जगह को एक्सप्लोर किया, गोवा को एक्सप्लोर किया, ओल्ड गोवा लाइक नेवर बिफोर, और अब मैं गोकर्णा जा रहा हूँ जो कि बैंगलोर से पहले का आखिरी स्टॉप होगा. तो ये अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है कुछ भी पता नहीं चलता. अभी रुका था यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, वाटर ब्रेक. तो अभी हमने ऑलमोस्ट 56-60 किलोमीटर कवर कर लिया सुबह से एक घंटे में. और स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है. जहाँ जहाँ रोड अच्छी भी है वहाँ वहाँ बहुत नैरो रोड है ऐसा कि आप देख सकते हो, और सिंगल लेन रोड है. सो कॉन्ट ड्राइव एट हाई स्पीड्स हियर.
तो इसलिए स्पीड थोड़ी कम है 50-60, कहीं कहीं मौका मिलता है तो 70-80 तक जा रही है स्पीड, बट उससे ऊपर अभी तक तो नहीं जा पाई, तो उसका रीज़न यही है। और मुझे लगता है कि शायद गोकर्ण तक ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाली है। और आपको गोवा से गोकर्ण जाने के रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज मिलने वाले हैं, आपको हाईवेज भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे घाट सेक्शंस, जंगल सेक्शंस मिलेंगे, स्पीड आपकी कम हो सकती है, सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल, ड्राइव स्लो एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। और ये फाइनली मैं कर्नाटका का बॉर्डर एरिया है, ये एंटर कर चुका हूँ गोवा को पार करके कर्नाटका में, ये है नॉर्थ कर्नाटका। We have officially entered into Karnataka. This is the southern Karnataka. We are inside the Karwar area. और आप देख सकते हैं एंटर करते एक खूबसूरत नज़ारा हमें दिख गया, तो मुझे रुकना पड़ा। ये ओवरब्रिज है, यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, पुलिस ने अगर देखा तो भगाने लगेंगे। अभी मैं अपने होटल से कुछ 33 किलोमीटर्स दूर हूँ, दिखा रही गूगल माता 40 मिनट, बट मान के चलते हैं 1 घंटे, क्योंकि जगह जगह डाइवर्जन कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। अभी मुझे मिले हैं बहुत सारे ऐसे, ये टोल प्लाजा है, हट्टी केरी टोल प्लाजा, सो या। और ये बड़ा हाईवे, काफ़ी अच्छा हाईवे इंडेड, 6 लेन हाईवे, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये मेमोरिया राइट गोकर्ण ओम बीच रोड से अपने होटल विराज वैली रेसिडेंसी के लिए। ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई, इन लोगों ने शायद जानबूझ के ऐसा बनाया है जो कि थोड़ा एक्साइटिंग हो जाए, आने का मज़ा और डबल हो जाए। सो ये अराउंड 400-500 मीटर्स की ऑफ रोडिंग थी जो मैंने की, और उसके बाद एक थोड़ी सी स्लैंटिंग जैसी थी, उसको पार किया और फाइनली अपन पहुँच गए विराज वैली। गाइस, सो मैं गोकर्ण में अपने होटल में पहुंच चुका हूं, इट्स कॉल्ड विराज वैली रिजॉर्ट, और रूमर्स नाइस एक्चुअली, मैंने रिव्यूज़ भी पढ़ा था, इट्स वाज वेरी नाइस। अगर आपको दिख रहा हो तो वहां पे सामने अपनी वासुकी खड़ी हुई है, बिल्कुल रूम के सामने, वहां थोड़ा सा छांव था सो मैंने वहीं पे खड़ा कर दिया। और मैं आपको रूम दिखा देता हूं। सो बेसिकली ये जो जगह है नीचे वाली रोड, वहाँ से आना है ऊपर, आपको यहाँ बाइक लगाना है और फिर ये आगे में एक बालकोनी टाइप का दिया हुआ है, शेड में आप बैठ सकते हो यहाँ पर, वॉन्ट यू कैन सिट हियर। और ये अपने रूम की खिड़की दिखती है, ये मेन डोर है, इट्स वेरी नाइस। ये मेन डोर से हम अंदर आएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली अपनी की लगाना है जिससे पावर आएगा। यहाँ पर मैं ये वार्डरोब दिया हुआ है विद लुकिंग मिरर, यहाँ पे सेंटर टेबल विद 2 चेयर्स, और ये स्पेस है, इधर में फ़ोन है, वाईफाई है, टीवी और एसी का रिमोट है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। ये वार्डरोब है, इधर काफ़ी बड़ा सा किंग साइज बेड है, और इधर टीवी है, टीवी का भी साइज़ अच्छा खासा लग रहा है, इधर डस्टबिन है। और ये लग रहा प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस है कि ये नया नया बना है, सो इट्स रियली नाइस। ये वॉशरूम है, वॉशरूम इज आल्सो डिसेंट इनफ, सर एग्जॉस्ट ही ओवर लुकिंग वेदर लुक्स गुड। So yeah guys, that was the tour of my room in Viraj Valley Gokarna. This will be my last destination before I go back to my home in Bangalore. So I hope you are enjoying the tour so far. Aaj ka mera plan yahi hai ki main zyada nahi ghumne wala. Aaj main thoda relax karunga, body pe thoda rest dunga. Kyunki again Friday se mera office start hai. So I have to be ready ki ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, ज़्यादा टायर्डनेस ना हो, बट स्टिल आई विल डेफिनेटली कैप्चर सम गुड पिक्स, गुड वीडियोज़ फॉर यू गाइज, सो दैट यू कैन रियली सी फॉर योर सेल्फ वॉट गोकर्ण लुक्स लाइक। और कल का मेरा प्लान है कि कल सुबह ही मैं निकलूँगा मुरुदेश्वर टेम्पल के लिए, जो शिव जी का टेम्पल है, काफ़ी फेमस है, इट्स अराउंड 75-80 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट इन गोकर्ण। और मुझे लगता है कि उसमें आने जाने में पूरा दिन जाने वाला है कल का मेरा। सो या दैट्स द होल प्लान, आज मैं निकलूँगा थोड़ी देर में लंच करके, और कुटलू बीच, ओम बीच और आसपास के जो भी थोड़े बहुत डेस्टिनेशन हैं उनको विजिट करने के लिए।
So hey guys, I'm here at Home Beach और यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रैक करके आना पड़ सकता है। यहाँ से एक स्लोप या सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, सो वहाँ से आप आ सकते हो। वाटर लुक्स वेरी नाइस, वेरी क्लीन। रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड Home Beach इज़ बिकॉज if you get an aerial view of this, let me climb down a bit. So if you get an aerial view of Home Beach, it's actually in shape of home. I don't have a drone, so I can't take that, but can definitely check out some photos or videos of it. को एंजॉय करने के बाद अपना कारवां निकल गया कुडले बीच की तरफ। बट ध्यान रहे कि आपको Home Beach हो या कुडले बीच हो, दोनों ही जगह जाने आने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। डॉगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जा रहा हूं अभी कुडले बीच एंड too deep, so we have to climb down and then climb back up. It's gonna be a hectic job, but anyways, we are doing it. I feel sometimes slope is easier, stairs are sometimes more difficult. So we are on our way to Kudle Beach and it's too many stairs to climb down, but we are doing it anyways. गोकर्णा के बीचेस की खास बात मुझे ये लगी कि कंपेयर टू अदर प्लेसेस लाइक गोवा और मुंबई, जहाँ पे मैं बीचेस पे गया, कंपेयर टू दैट गोकर्णा के बीचेस थोड़े ज़्यादा क्लीन है और ज़्यादा सिक्लूडेड है। आई होप आपको आज का एपिसोड मज़ा आया होगा और ये मेरा लास्ट पॉइंट था। कल अपन मिलेंगे मुर्देश्वर में। सी यू।